आर सीरीज की पेशकश है हजरत रहमान शाह वली की दरगाह। ये दरगाह कन्नड़ से कुंज खेड़ा आता है 5-6 किलोमीटर पर। कुंज खेड़े के बिल्कुल 2 किलोमीटर पर दरगाह आती है, पर इसका जो रास्ता बहुत कटिंग है आपको दरगाह है। देखिए ये कुंज खेड़े में से आपको मैं शूटिंग करके बता रहा हूँ। वो सामने जो पहाड़ देख रहे हो आप, वो वहाँ पर दरगाह है। एकदम लाइट आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ से दरगाह। पर मैं आपको दरगाह के बिल्कुल उस पहाड़ के ऊपर लेके जाकर आपको दरगाह की पूरी ज़ियारत कराऊंगा। आगे इस वीडियो में आपको बहुत सारे कुछ बातें बताऊंगा। और इस गांव के लोग अभी नहीं, ये रास्ता है वहाँ दरगाह पर जाने के लिए। कुंज खेड़े से आपको 1.5 से 2 किलोमीटर काफ़ी रास्ता खस्ताहाल है, क्योंकि दरगाहों पर वहाँ के आवाम अभी जाती नहीं है। कुछ लोग जो है वहाँ पर रुकने वाले लोग वो जाते हैं, पर मुसलमान का वर्ल्ड होने के बावजूद भी इस दरगाह पर क्या कोई भी दरगाह पर यहाँ के आवाम नज़दीकी वाले बहुत कम जाया करते हैं। उसकी वजह मुझे नहीं पता है क्या, पर आप जाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि सारे लोग ऊँचे पैजामे वाले लोग ज़्यादा दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। पर मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि देखिए कोई ना कोई साजिश है हमारे 150 साल में की जा रही है, क्योंकि आप गौर करोगे कि इससे पहले जितने भी राजा महाराजा तो जब वलियों के मानते थे और वलियों के दरगाह पर जाकर ज़ियारतें करते थे और उनसे अल्लाह रसूल के सदक़े में उनके सदक़े से मांगा करते थे, पर अभी वो हालात नहीं रहे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। और उसके बावजूद भी मैं काफ़ी दरगाहों पर जाता हूँ। ऐसी ही दरगाह खस्ता हाल है, बहुत बड़ी साजिशें हो रही है दरगाह के ख़िलाफ़, मस्जिद के ख़िलाफ़। क्योंकि आप देखो गौर करोगे कुछ ही सालों के अंदर ऐसे कई दरगाहें जो है, कई मस्जिदें वीरान कर दी गई है। जिस किसी को भी इमनी हकीक वगैरह चाहिए, अंगूठी चाहिए, तो हमारे से ज़रूर कांटेक्ट करें। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप इसको मंगा सकते हो, 50% डिस्काउंट दिया जाएगा आपको। देखिए दरगाह, ये माशाल्लाह दरगाह है, पर ये जो दरगाह है ये शेख मरफ कलंदर दरगाह है। इसके बिल्कुल एक सामने एक पहाड़ के ऊपर दरगाह जिसका रहमान शाह वली की दरगाह है, वो बिल्कुल शेख मरफ कलंदर के बिल्कुल सामने एक पहाड़ है, वहाँ पर वो दरगाह है मौजूद है, जहाँ पर आप जाके ज़ियारत कर सकते हो। ये आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये सामने का जो गांव है शेख मरफ कलंदर दरगाह के पास का, तो वो गांव आपको मैं जूम करके बता रहा हूँ कैमरे से। देखिए काफ़ी दूर से मैं शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रहमान शाह बाबा की दरगाह के को ऊपर जाना था पहाड़ के पास। ये पहाड़ के ऊपर का शॉट है। अब यहाँ पर भी आप एक सर्वे करेंगे आपको मालूम पड़ेगा, काफ़ी दिनों पहले कम से कम 20-25 साल पहले यहाँ पर काफ़ी लोग आया जाया करते थे, पर अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहे यहाँ पर। देख सकते हो आप कि ये इस पहाड़ की चोटी के ऊपर दरगाह है, जहाँ पर आपको लेकर जाके पूरी बताने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं। और जिस किसी को अपने फाल नामे पर या फिर राशि पर आपको नगीने चाहिए, तो ये मेरा राशि कार्ड है, इसको देख कर भी आप राशि पर अपने अंगूठिया और नगीने आप मंगा सकते हो मुझसे। ये जो पहाड़ देख रहे हो आप, इसको बिल्कुल, ये दरगाह के बिल्कुल सामने का पहाड़ है। काफ़ी यहाँ पे लोकेशन माशाल्लाह है। और ये भी देख सकते हो आप जो नज़ारा दिख रहा है, आप सामने जो पहाड़ दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पर उसके ऊपर दरगाह, मैं काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ अभी। और ये वीरान जगह पर दरगाह है और काफ़ी मशहूर दरगाह है। अभी भी लोग वहाँ पर जाना कम कर दिए। जिसको भी आरताउल गाज़ी की अंगूठी वगैरह चाहिए, तो हमारे से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। व्हाट्सअप का नंबर आपको दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप मंगा सकते हो। ये नीचे से लेकर ऊपर तक जब पहाड़ पे जाओगे, कम से कम आधा से एक घंटा लगेगा आपको ऊपर चढ़ने में। और काफ़ी कठिनाई रास्ता है, खस्ता हाल है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि वहाँ तक पब्लिक पहुँचे और ज़ियारतें की करें वहाँ पर, इसलिए बंद कर दिया गया है सब अभी। उसके बावजूद भी कुछ लोग दरगाह को जो चाहते हैं, जो मानते हैं, वो लोग जाते हैं और वहाँ पर ज़ियारतें करते हैं। अब जाओगे वहाँ पर तो इंशाल्लाह आपको माशाल्लाह नज़ारा दिखाई देगा आपको। और ये देखेंगे आप तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे काफ़ी बड़ी इमारत हुआ करती एक ज़माने के अंदर, और अभी सब खस्ता हाल, सब तोड़ दिया गया है, अभी कुछ नहीं बचा है वहाँ पर। आप मज़ार के पास भी जाओगे तो आपको गलफ वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पर आप एक सर्वे के हिसाब से आप देखोगे तो वहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे कोई घर थे पहले, या बैठने की जगह वगैरह भी थी पहले यहाँ पर। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, अभी सिर्फ सन्नाटा और वीरान जगह ही है। आप 120 साल पहले की जो संस्था आई है, उन्होंने काफ़ी लोगों को गुमराह भी कर दिया गया है कि मज़ारों पर आप मत जाइए, ऐसा नहीं कीजिए, वैसा ना करें, ऐसे काफ़ी लोग इस बातों में गुमराह हो चुके हैं। तो इसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान के कई दरगाहें, कई मस्जिदें इसी वीरान हो गई एकदम। वो बोलता है वो सुन्नी है, वो तबलीग है, ऐसे ही होता है हिंदुस्तान के अंदर। पर मैं और लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, आप लोग जाइए, ज़ियारतें कीजिए। आप लोग जाएंगे तभी आपका वजूद नज़र आएगा कि भाई नहीं, इनका है ये। आप ऊपर जाएंगे 2 कुंडे नज़र आएंगे आपको दरगाह के, माशाल्लाह। देखिए इतने पहाड़ पर पानी का इंतज़ाम किया गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ज़माने पहले मस्जिद भी होगी शायद, यहाँ पर नमाज़ू करने के लिए जगह वगैरह कब कर दी गई है।
एकदम साफ पानी था। मैं खुद वहाँ पे वजू किया, नमाज़ पढ़ा मैंने वहाँ पर, और ये लगभग 5-6 बजे का वक्त होगा इंशाल्लाह, ये जिस वक्त में मैं ऊपर पहुँचा था। और काफ़ी माशाल्लाह नज़ारा है यहाँ पर, आप ज़रूर जाइए रहमान शाह बाबा वली की दरगाह, ये आप जाइए वहाँ पे नमाज़ पढ़िए वहाँ पे, दुआ कीजिए। और काफ़ी लोग जाते हैं मज़ारों पर, और आप भी जाइए और ज़ायरतिंग कीजिए आप। मेरा मकसद यही है कि दरगाह मंदिर मस्जिद बचाइए आप। ये देखो आप, इस पर देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा यहाँ पर कितना खस्ता हाल रास्ता है दरगाह पर जाने के लिए। उसके बावजूद आपको मज़ार दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये मज़ार है जहाँ पर ढंग से गलब भी नहीं है, यहाँ पर गलब भी सब उड़ चुका है, पर खादिम यहाँ पे मैंने सुना है कि जुमेरात आता है और जो कुछ उसको मिलता है लेकर जाता है बस यहाँ पे, बस यही है यहाँ पर चलता है। गलब के ऊपर कलमा वगैरह सब लिखा हुआ रहता है, नीचे गिरा हुआ है सब है। तो यही मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जैसे वहाँ दरगाह पर पहुँचोगे तो इंशाल्लाह ताला इसी ही दरगाह है जो खुलदाबाद शहर के आसपास काफ़ी दरगाह खस्ता हाल है, जो उनको मरम्मत की बहुत सख्त ज़रूरत है फ़िलहाल अभी। और ये जो सामने आप देख रहे हो शेख मारूफ कलंदर दरगाह, ये छिला है ये, और उसके सामने ही बिल्कुल एक पहाड़ी के ऊपर ये दरगाह मौजूद है, रहमान शाह वली की दरगाह। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। ये रहमान शाह बाबा दरगाह की मज़ार शरीफ है, किसी ज़माने में ये काफ़ी पक्का हुआ करता था यहाँ पे, क्योंकि इसके निशानात मौजूद है, आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस दरगाह का। और अभी बहुत खस्ता हाल है दरगाह का हाल। तो यही बातें हैं, और मैं अपने लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।